उनका किसने है? अब सर्दी पड़ रही हो बड़ी तेज और आधी रात को कोई रिश्तेदार घर में आ जाए हैं, तो घर में दूध ना हो और आप ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लो भैया चाय चाय चलेगी क्या? वो कहे अरे चलेगी क्या, दौड़ेगी बना लाओ सर्दी है। हमने तो ऐसे ही पूछा, वो लोग कह ही दिया तो जाना पड़ेगा हमारा। सो सुदामा जी महाराज चल दिए। अब चल दिए महाराज तो कोई भी ब्राह्मण कभी भी हमारे घर आए तो उसको कभी खाली हाथ विदा नहीं करते, उसको दक्षिणा वस्त्र मिठाई फल इत्यादि जो भी आपका सामर्थ्य देकर के सदैव विदा करना चाहिए। लेकिन सुदामा जी महाराज जाने लगे तो कन्हैया जी ने कुछ उनको दिया ही नहीं। सुदामा जी जा रहे हैं, सोचने लगे महाराज कहीं ना कहीं 1% सुदामा जी, वैसे तो कोई लालची नहीं है, कोई लालच नहीं है सुदामा जी को दूर दूर तक, लेकिन बच्चों को सोच करके अगर कन्हैया के यहाँ से कुछ मिल जाता प्रसाद तो बालक पालेंगे, ये सोच करके सुदामा जी सोचने लगे मेरे महल के। अरे तुमने पहन के देख लिया, अब छोड़ जाओ। सुदामा जी बोलने लगे महाराज इतनी बड़ी स्वर्ग नगरी का राजा है, स्वर्ग नगरी का, और देखो कोई बात नहीं, उतार के चल दिए महाराज। चलते जा रहे हैं तो रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया सुदामा को। हमने सुना द्वारकाधीश का मित्र है, एक चोर कहता है इसकी वेशभूषा देख करके लगता तो नहीं है द्वारकाधीश का मित्र होगा। बोले द्वारकाधीश के मित्र तो कैसे भी हो सकते, जरूर इसको बहुत सारा माल खजाना दिया होगा और उससे बचने के लिए ऐसा भिक्षुक का रूप रख के ये जा रहा है। देखो पकड़ लिया सुदामा जी को और महाराज उनकी खाना तलाशी करने लगे, देखने लगे क्या क्या चुरा के महाराज क्या क्या इसको दिया भगवान, एक भूटी कौड़ी ना निकली। अब सुदामा जी मन ही मन सोच रहे कन्हैया तो जो करे लाला बड़ा सोच समझ के करे, अगर आज तो मुझे धन दे देता तो धन तो जाता ही जाता है, इन चोर ले जाते साथ में मेरे प्राण भी चले जाते। एक बड़ा अच्छा हुआ जो तूने महाराज मुझे धन नहीं दिया। सुदामा जी महाराज अपने गांव में अपनी नगरी में पहुंचे और क्या देखा कि सुदामा महल देख डरे और यहाँ तो बनी थी छोटी सी झोपड़ी थी। महाराज लगता है किसी सेठ साहूकार ने मेरे बीवी बच्चों को निकाल करके अपना महल बना लिया। पूछा द्वारपालों से भैया यहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते थे कहाँ गए, कौन बीवी बच्चे, यहाँ कोई बीवी बच्चे नहीं है। ऊपर से सुशीला ने देख लिया सुदामा जी आ गए, सो महाराज 16 श्रृंगार से विभूषित होकर के सुंदर वस्त्र धारण करके सुशीला आरती का थाली लेकर के स्वागत करने के लिए आती। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाते, इतनी सुंदर लग रही एकदम बदल गई। देवी यहाँ हमारे बच्चे रहते थे, अर्धांगिनी कहाँ गई? अरे भगवान में है आपकी अर्धांगिनी सुशीला, मुझे नहीं पहचाना। अरे सुशीला ये इतना वैभव कैसे? ओलिक सेठ जी आए थे आपका नाम लेके सब कुछ दिया है, अभी तो अंदर ही बैठे हैं, मिल लो। अंदर जाकर के देखा तो वहाँ कोई सेठ जी नहीं थे, वहाँ तो मेरे सेठों के सेठ श्री सावरिया सेठ जी विद्यमान थे। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भगवान इतना मुझे मत दीजिए, मुझे बस इतना चाहिए कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान मुझे देना है तो बस इतना दे दो कि मेरा परिवार अच्छे से चल सके, मैं भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर जो भी आए कभी भूखा ना जाए, मुझे और नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं सुदामा ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, मैं कुछ नहीं दे रहा, ये जो तुमने पाया है ये सब तुमने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, इसीलिए इसका भोग करो। कहते हैं महाराज
सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। अंध देख है गूंगे पुल बोले रंग चले सर छत्र धराए। भगवान की कृपा में वो सामर्थ्य है कि नेत्रहीन व्यक्ति भी देखने लग जाता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति महाराज न जाने कितने अनंत अनंत बड़े महाराज पर उसकी कृपा में वो सामर्थ्य है भगवान की कृपा में। इसीलिए जीव मात्र को चाहिए कि भगवान का आश्रय लेकर के सदैव रखे। सुदामा ने गरीबी में भगवान को नहीं छोड़ा तो आज भगवान को एक सेकंड नहीं लगी। अच्छे अच्छों को महाराज भगवान को राजा से भिखारी बनाने में क्षण नहीं लगता, पर भिखारी को एक क्षण में कब राजा बना दे कोई पता नहीं। इसीलिए अच्छे कार्य करिए। लेकिन हम लोगों का क्या है कि जब महाराज हम कोई दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं तो हम लोग बड़ा दिखावा करके करते हैं। व्यक्ति अगर 5 रुपए का भी दान करेगा ना, सामने वाले को तो चाहेगा सोशल मीडिया पर सब देखे, इधर फोटो डाल उधर फोटो डाल, आज हमने ये दान किया वो दान किया। और जब महाराज पाप कर्म करेगा तो ऐसे छुपा के रखेगा कि भगवान को भी ना पता चले, जिससे किसी को कुछ पता ही ना चले। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भगवान पुण्यों का हिसाब रखते हैं तो पापों का भी। जैसे आप महाराज दुनिया को अपने पुण्यों को दिखाते हो, अच्छे कर्मों को दिखाते हो, वैसे ही भगवान के पास 2 नहीं, आपके पास 2 नेत्र हैं देखने के लिए, लेकिन भगवान के पास 1000 नेत्र हैं देखने के लिए। वो 1000 नेत्रों से देखते हैं और सबके अवगुणों को देखते हैं, कौन क्या पाप कर रहा है, कौन कितने अधर्म कर रहा है। ठाकुर जी सब देखते हैं और इसी हिसाब से फिर भगवान फल भी देते। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं, तत्पश्चात में नव योगेश्वर संवाद प्रकट करते हैं और उसके बाद में श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। गुरु जीवन में कितने बनाए जाते हैं? 1 दीक्षा गुरु, 1 और शिक्षा गुरु, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले वो आपके गुरु होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए माँ भी आपके गुरु है, पिता भी आपके गुरु है, भाई भी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। स्कूल में जाते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, वो भी हमारे गुरु है। जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारे गुरु होते हैं। तो पूज्य श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने शिक्षा गुरु 24 बनाए। एक गुरु बनाया अजगर सर्प को। अजगर सर्प देखा है? है? बड़ा विशाल काय देह भारी है? इतना भारी उसकी देह होती है कि ज्यादा चल फिर नहीं पाता। वो क्या करता है? एक ही जगह भोजन की प्रतीक्षा करता रहता, छुप करके शिकार के लिए बैठा रहता है, कोई यहाँ से निकले उसे अजगर सर्प की भांति जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक चंद्रदेव को अपना गुरु बनाया। व्यक्ति दिन भर सूर्य की गर्मी से तपता है और जब गर्मी का समय होता, दिन भर सूर्य की गर्मी से तपता, जब शाम होती है और जैसे ही चंद्रदेव महाराज आते हैं, उनके आते ही समस्त भूमंडल पर शीतलता छा जाती है। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने चंद्रदेव से ये शिक्षा ली